स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज फेयर इज ₹105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज फेयर ₹155। एक सिटी में कार को आपने बुक करना है, कार का जो टर्म्स ऑफ कंडीशन बुक करने का है कि भाई पहले वो जाएगा, फर्स्ट उसका जो किलोमीटर है वो फिक्स चार्ज है, उसके बाद वो जब जाता है आगे तो कुछ उसके कंडीशन होते हैं कि भैया अगले जो हम 1 किलोमीटर जाएंगे वो 10 रुपीज़ लेंगे या अगले जाएंगे तो 15 रुपीज़ लेंगे, ऐसा उसका कुछ कंडीशन है उसकी, ठीक है ना। उसमें आपको बताना है कि कितना उसका फिक्स चार्ज था, कितना उसका आगे का नेक्स्ट किलोमीटर के चार्जेस थे, और ये भी साथ में बताना है कि अगर उस व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप नोट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर, तो फिक्स्ड चार्ज रुपीज एक्स हो गया और दी चार्ज फॉर पर किलोमीटर इक्वल टू रुपीज वाई, ठीक। अब देखें क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बनेगी। यहां पर जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स तो फिक्स चार्ज उसका है ही है, 10 जो जाता है वाई रुपीज उसको देना है और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर पर तो 10y हो जाएगा, ठीक है ना, और इज इक्वल टू रुपीज 105, और यह इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो गया। कहता है कि वही व्यक्ति आगे 15 जाता है तो 15y, अब उसने कितना पे किया, 155 रुपीज पे किया, और यह इक्वेशन सेकेंड बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। अब यहां पर जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो x इज इक्वल टू 105, ये 10y रह जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -10y, इसको इक्वेशन नंबर 3 क्रिएट कर दीजिए। इस इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखिए 15 से 10 निकालेंगे तो 5y हो जाएगा, और 155 से 105 माइनस कर दीजिए तो 0, 5 एंड 1 माइनस 1 यहाँ पर हो गया 5y, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 50/5 इज इक्वल टू 10, फिर से चेक कर लीजिए, 155, 105, 5 का 5 से 5 है 0 और 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 1 50, यहाँ पर 10 रुपीज, तो y की जो वैल्यू हो गई वो 10 हो गई, मतलब जो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए जाएगा, अगली जर्नी जो करेगा वह 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। अब यहां पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे, ठीक है, थर्ड में रखेंगे तो यहां पर कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की वैल्यू कितनी आई यहां पर, 10 आ गई, तो 10 × 100, 105 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹5, मतलब जो यहां पर जर्नी है वो कितनी हो जाएगी, फिक्स चार्ज 5 रुपीज, जो पहले किलोमीटर में जाएगा ना वो 5 रुपीज पे करेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट जर्नी वो कवर करेगा वो कितना देगा, यहां पर 10 रुपीज पे करेगा। अब जो क्वेश्चन हमारे पास ये बताया गया कि भैया अगले वो 25 किलोमीटर की जर्नी तय कर रहा है, तो यहां पर जाएगा फेयर फॉर नेक्स्ट 25 किलोमीटर, उसे 25 किलोमीटर जर्नी करनी है तो कितना जाएगा, x प्लस 25y, ये कंडीशन बनेगी इसकी, भाई फिक्स चार्ज देगा, y रुपीज वो नेक्स्ट जर्नी का दे रहा है, 25 किलोमीटर जा रहा है, तब यहां पर जाएगा x इज इक्वल टू 5 एंड प्लस 25 और y की वैल्यू कितनी आएगी, 10, तो यहां पर लगा देंगे 10, 5 प्लस 250, इसको प्लस कर लेंगे तो यहां पर कितना जाएगा, 255 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर जो फिक्स चार्ज है,
फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹5 पर किलोमीटर चार्ज ₹10 कितना जाएगा 10 और चार्ज फॉर 25 किलोमीटर ₹255। ये आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ना प्रेस करें। थैंक्स टू वॉच।